नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण कुमार घोष आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, केकेआर की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को वो 106 रन के बहुत बड़े मार्जिन, मतलब विशाल मार्जिन से हरा दिया है। और अगर बात करें T20 मैचेस में, तो इतने बड़े मार्जिन से जो है जीतना मतलब इतना आसान नहीं होता। बट केकेआर की टीम ने कल जो बैटिंग करी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करी है। और अगर केकेआर की बैटिंग की बात की जाए, चाहे आप नारायण की बात करें, चाहे आप अंग क्रिस रघुवंशी की बात करें, चाहे आंद्र रसल की बात करें, चाहे आप रिंकू सिंह की बात करें, तो जो भी प्लेयर आया उसी ने हिटिंग करी और उन्होंने जो है मतलब IPL इतिहास का जो है सेकंड हाईएस्ट टोटल बना दिया 272 रन पे 7 विकेट। अगर ये आंद्र रसल और रिंकू सिंह के मतलब एंड में आउट नहीं होते तो ये स्कोर जो है मतलब हाईएस्ट स्कोर हो सकता था। बट जो है आपको पता ही है, इसी सीजन जो है हाईएस्ट स्कोर का जो आपका 277 रन्स मारे थे SRH ने MI के खिलाफ, वो आपका हाईएस्ट है और ये आपका सेकंड हाईएस्ट स्कोर बन गया है। और अगर बात करें मैच की, तो मैच में जो है आपके दिल्ली कैपिटल्स की टीम कभी भी नज़र ही नहीं आई कि वो लोग जो है रन चेज कर रहे हैं। अगर उनके ओपनर्स की बात की जाए, तो ओपनरों ने इतनी बेहतरीन शुरुआत नहीं दी। इतने विशाल स्कोर को अगर चेज करने जाते हैं तो कम से कम हमें 4 ओवर में 50-60 रन की ज़रूरत पड़ती है। बट इनके जो ओपनर्स हैं, चाहे आप डेविड वॉर्नर की बात करें, चाहे पृथ्वी शॉ की बात करें, तो ये लोग तो 130-140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तो इतने विशाल स्कोर का जो चेज है, जो इतनी आसानी से नहीं होता है। और अगर मैच की बात करें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीत के जो है पहले बैटिंग का फैसला किया। और अगर बैटिंग के फैसले की बात करें, तो इनके जो ओपनर है फिल सॉल्ट की बात करें, चाहे सुनील नारायण की बात करें, दोनों ने जो है इस मतलब डिसीजन को बहुत बेहतरीन साबित किया। और उन्होंने पहले विकेट के लिए 4.3 ओवर्स में 60 रन जोड़े। फिल सॉल्ट जो है आपके मतलब 18 रन बना के 12 बॉलों पे आउट जरूर हो गए, बट उन्होंने जो है मतलब एक फाउंडेशन रख दिया था कि आज जो है विशाल स्कोर बनेगा। और अगर सुनील नारायण की बात करें, चाहे आप अंग क्रिस रघुवंशी की बात करें, तो वो जो है IPL के इतिहास मतलब IPL में जो है अपना डेब्यू कर रहे थे और अपना वो पहला मैच खेल रहे थे। पर उनकी अगर बैटिंग को देखा जाए, तो वैसा लगा नहीं कि वो पहला मैच खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जो है फुल से मतलब 18 साल के आसपास के लड़के हैं ये। और इन्होंने दिखाया कि मतलब कैसे जो इंडियन टीम जो है या इंडियन क्रिकेट BCCI जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे आप अंग क्रिस रघुवंशी की बात करें, चाहे आप मतलब जो भी नए टैलेंट आ रहे हैं, जैसे आपका मयंक यादव आ गया, तो ऐसे प्लेयर्स जो हैं आपके BCCI ने चुन के रखे हैं। मतलब आप अपने हमारे जो डोमेस्टिक क्रिकेट का आप मतलब पैमाना समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि अपने पहले पहले मैच में जो है फास्टेस्ट बॉल ऑफ द IPL या मतलब 50 मार रहे हैं अपने पहले ही सत्र उसमें। और अगर अंग क्रिस रघुवंशी की बात करें, तो उन्होंने 54 रन की पारी खेली 27 बॉलों पे। और अगर KKR की बात करें, तो इन्होंने जो है पहले ही 6 ओवर में जो है इन्होंने जो है 88 रन बना दिए थे और 10 ओवर में 135 रन बना दिए थे। और अगर बात करें फोर्थ ओवर की, तो फोर्थ ओवर में ईशान किशन को जो है आपके जो है सुनील नारायण ने जो है आपके 26 रन मारे, 3 छक्के मारे और 2 चौके मारे। तो वहीं से जो है आपका ये मतलब बड़ा स्कोर बनने का जो है फाउंडेशन डला। उसके बाद जो है दूसरा विकेट जो है इनका सुनील नारायण के रूप में गिरा। सुनील नारायण जो है अपना मेडन मतलब T20 100 ढूंढ रहे थे, बट वैसा हुआ नहीं। सुनील नारायण को जो है मतलब आपके जो मिचेल मार्स ने ऋषभ पंत के हाथों जो है बाउंस बॉल डाली थी। और आपको पता है बाउंसर में थोड़ा सा सुनील नारायण कच्चा है, और सुनील नारायण आउट हो गए 85 रन बना के 39 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 7 चौके मारे। अगर उनकी स्ट्राइक रेट की बात करें, 218 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट रहा। और फिर उसके बाद जो है तीसरा विकेट इनका जो है अंग क्रिस रघुवंशी के रूप में गिरा, जो कि 13 ओवर्स में गिरा। अंग क्रिस रघुवंशी ने भी जो है आउट होने से पहले 54 रन की पारी खेली 27 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। तो अंग क्रिस रघुवंशी ने IPL डेब्यू में बहुत बेहतरीन मैच खेला, मतलब रन वगैरह बनाए, तो उसके लिए अंग क्रिस रघुवंशी को बहुत बहुत बधाई। उसके बाद आंद्रे रसल आए, फिर श्रेयस अय्यर आए, तो आंद्रे रसल ने भी जो है बहुत बेहतरीन पारी खेली। आंद्रे रसल ने 41 रन की पारी खेली 19 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। फिर श्रेयस अय्यर आए, उस उन्होंने भी मारा। फिर आपके जो है लास्ट में जो है रिंकू सिंह ने जो है मतलब बहुत बेहतरीन रन्स बनाए। उन्होंने जो लास्ट के 19वें 20वें ओवर में 19वें ओवर में शायद उन्होंने
लगातार मतलब 3 छक्के मारे उस ओवर में, उन्होंने 8 बॉलों पे 26 रन बनाए और उन्होंने एक मतलब चौका मारा और 3 छक्के मारा। और इन्हीं विस्फोटक पारी की बदौलत जो है आपके जो मतलब मतलब केकेआर की टीम जो है 272 रन का विशाल स्कोर बना पाई। एक समय लग रहा था जो आपका एसआरएच ने इस सीजन में जो स्कोर बनाया हाईएस्ट का वो टूट जाता, बट आंद्रे रसल और रिंकू सिंह के आउट होने के बाद जो है थोड़ा सा मतलब 10-12 रन कम बने, बट ये रन बहुत थे कि डीसी के लिए। और अगर हम बात करें आपके जो मतलब ये जो बॉलिंग की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स की जो बॉलिंग चेन्नई सुपर किंग्स के सामने उन्होंने 191 के आसपास का स्कोर डिफेंड किया था, यहाँ पे जो है ये बॉलिंग एकदम मतलब छितर वितर कर दी गई दिल्ली मतलब केकेआर के बैट्समैन द्वारा। अगर बात करें खलील अहमद, तो खलील अहमद ने 4 ओवर में 43 रन देके एक विकेट लिया। उसके बाद ईशांत शर्मा ने 3 ओवर में 43 रन देके, मतलब उन्होंने जो है 19वां ओवर डाला, उन्होंने बहुत बेहतरीन ओवर डाला, उन्होंने पहली बॉल पर यॉर्कर मार के जो है आपका मतलब आंद्रे रसल को आउट किया। तो आंद्रे रसल ने भी अप्रिशिएट किया इसको कि बहुत बेहतरीन बॉल था ये, जो कि मेरे से नहीं खेला गया, अनप्लेबल बॉल था। तो उन्होंने 2 विकेट ली। एनरिच नोर्सिया की बात करें तो उन्होंने भी 4 ओवर में 59 रन मतलब 59 रन खाए और 3 मतलब उन्होंने विकेट जरूर लिए, बट उनका जो इकोनॉमी बहुत हाई रहा। तो अक्षर पटेल ने 1 ही ओवर डाला, उसमें 18 रन आए। आपके मिचेल मार्श ने 3 ओवर में 37 रन देके 1 विकेट जरूर लिया। तो ये जो स्कोर बन चुका था, अब इस स्कोर को जो है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मतलब चेंज करना था। बट अगर डेविड वॉर्नर की बात करें, चाहे पृथ्वी शॉ की बात करें, या फिर मतलब इनके जो मतलब स्टार्टिंग के जो 3 विकेट 4 विकेट है, 33 पे 4 हो गए थे ये, तो फिर ऐसा लगा नहीं कि ये जो रन चेज कर पाएंगे। पहला विकेट पृथ्वी शॉ के रूप में गिरा, पृथ्वी शॉ ने जो है आउट होने से पहले 10 रन की पारी खेली 7 बॉलों पे। दूसरा विकेट जो है मिचेल मार्श आए और मिचेल मार्श गए। मिचेल मार्श जैसा प्लेयर है, मेरे हिसाब से मिचेल मार्श को जो है ओपनिंग आना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी शॉ वन डाउन आ सकते हैं या आपके डेविड वॉर्नर, तो आपके मतलब बॉर्न ही वो ओपनर है, तो उनको तो छोड़ दिया जाए, बट पृथ्वी शॉ जो है आपके जो है 3 नंबर पे आ सकते हैं। मिचेल मार्श को ओपनिंग करना चाहिए और इसके बारे में जो है ऋषभ पंत और टीम मैनेजमेंट को जरूर सोचना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पोरल आए, अभिषेक पोरल का नाम बहुत ज़्यादा हुआ है कि मतलब वो बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, बट उन्होंने जो है 0 पे आउट हुए 5 बॉलों खेल के। वैभव अरोड़ा की बॉल पे सुनील नारायण को कैच दे बैठे। फिर उसके बाद जो है ऋषभ पंत और मतलब ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में एक बेहतरीन पार्टनरशिप हुई 5वें विकेट के लिए, और ऋषभ पंत ने जो है अपने आईपीएल में मतलब 2024 के आईपीएल में दूसरा जो है आपका 50 मारा। उन्होंने जो है 55 रन्स की पारी खेली 25 बॉलों पर, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके लगाए। अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 220 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहा। जब तक ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स थे, तो मतलब लग रहा था कि ये लोग जो है स्कोर के आसपास जाएंगे। जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुए, वरुण चक्रवर्ती की बॉल पे श्रेयस अय्यर को कैच दे बैठे, तो उसके बाद जो है मतलब ये टीम कभी दिखी ही नहीं चेज में। ऋषभ पंत आपके आउट हुए 126 रन पे, जब 5 विकेट था 12 ओवर के 12.2 ओवर्स में, तो मतलब 126 और 12 8 ओवर में इनको जो है आपके अभी भी जो है 150 के आसपास का रन चाहिए था, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट जो है आपके जो ट्रिस्टन स्टब्स ने भी मतलब कोशिश करी। ट्रिस्टन स्टब्स ने आउट होने से पहले 54 रन की पारी खेली 32 बॉल्स पे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। उसके बाद आपके अभी अक्षर पटेल आए, आपके सुमित कुमार आए, आर सलाम आए, नॉर्चिया वगैरह सब आए, और ये टीम जो है पूरी 17.2 ओवर्स में 166 रन पे आउट हो गई। अगर हम बात करें जो मतलब केकेआर की बॉलिंग, तो केकेआर की तरफ से जो है मिचेल स्टार्क, जो कि सबसे महंगे इस बार जो प्लेयर है 24.75 करोड़ में उनको खरीदा गया है, उन्होंने जो है मतलब आईपीएल का पहला विकेट लिया 3 ओवर में 25 रन देके 2 विकेट लिए। और अगर उसके बाद बात करें उनके जो वैभव अरोड़ा है, जो इंपैक्ट प्लेयर आए थे, इन्होंने जो है 4 ओवर में 27 रन देके 3 विकेट लिए। उसके बाद आंद्रे रसल ने भी 1.2 ओवर्स में जो है 14 रन देके 1 विकेट लिए। उसके बाद सुनील नारायण ने 4 ओवर में 29 रन देके 1 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 43 रन देके 3 विकेट लिए। और आपके वेंकटेश अय्यर ने भी 1 ओवर डाला था, जिसको जो है सबका रेडार पे ले लिया था आपके ऋषभ पंत ने। उस ओवर में जो है इस बार का आईपीएल का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ है, वो 28 रन आए उस ओवर में। और अगर बात करें मतलब प्लेयर ऑफ द मैच, तो प्लेयर ऑफ द मैच तो आपके एक ही प्लेयर है सुनील नारायण ने, जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाया और उन्होंने जो है 1 विकेट लिया और 85 रन्स बनाए और उन्होंने अपने करियर का बेस्ट स्कोर बनाया। और अगर बात करें मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स की, कोलकाता नाइट राइडर्स जो है लिथिल टीम दिख रही है, वो जो है सामने चाहे कोई भी टीम आ रही है उसको मतलब छोड़ नहीं रही। वो जैसे भी मतलब
अपना जो एग्रेसिव गेम खेल रही है, चाहे उनके जितने भी प्लेयर्स की बात की जाए, बैट्समैनों की बात की जाए, तो बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। और केकेआर की टीम जो है पॉइंट्स टेबल में अभी जो 3 में से 3 मैच जीत के आपके 6 पॉइंट्स के साथ वो पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे आपके राजस्थान रॉयल्स है, उन्होंने भी 3 में से 3 मैच जीते, उनके भी 6 हैं। और तीसरे नंबर पे आपके सीएसके की टीम है, जिसमें जो 3 मैचों में 2 मैच जीत के वो भी 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे। तो मतलब केकेआर की टीम जो है बहुत ज़्यादा ही लिटिल दिख रही है। और ये जो इस बार ऐसा लग रहा है कि केकेआर के सामने कोई भी टीम आ रही है उसको जो है ये एकदम निस्त नाबूद कर दे रही है। तो केकेआर की टीम के लिए मतलब जो ये पॉजिटिव उनके अंदर आया है, तो ये जो है आपका गौतम गंभीर जो है उनके आपके मतलब जब से उनको ज्वाइन किया है, तो गौतम गंभीर ने उनको जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रोत्साहित किया है कि आप बेहतरीन खेलिए और बेहतरीन करिए, तो ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने आरसीबी को भी आउट किया, मतलब उनके घर में जाके हराया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का भी, कल वो उनका घर ही था विशाखापट्टनम, तो वो मतलब उनका सेकंड होम कह सकते हैं, दिल्ली कैपिटल्स को भी हराया और एसआरएच को भी हराया। एसआरएच जैसी लिथल टीम जो कि मतलब सिर्फ 6 हिटिंग उनके पास प्लेयर्स है, तो उसको भी हराया। तो केकेआर की टीम जो है इस बार कुछ करके जाएगी, या तो मतलब ट्रॉफी लेके, मतलब ट्रॉफी की जो है बहुत मतलब बड़ी उम्मीदवार दिख रही है। तो मतलब देखते हैं केकेआर की टीम जो है कैसा खेलती है। और अगर आज के मैच की बात करें, तो आप आज का मैच जो है गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में, तो गुजरात टाइटंस ठीक ठाक खेल रही है। पंजाब किंग्स को उनको जो है मतलब जीत ढूंढनी पड़ेगी, अगर उनको जीतना है तो बहुत बेहतरीन खेल दिखाना होगा। और मतलब आपको जो है अगर आईपीएल की अपडेट वगैरह या मतलब लेटेस्ट न्यूज़ की किस प्लेयर ने कितने रन्स वगैरह मारे, अगर आपको इन सब में रुचि है तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो मेरे पेज को मतलब मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। और वीडियो वगैरह लगे तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाइए दोस्तों।